जब हम ये मैच के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आती है इमेज दो साउथ अमेरिकन हैवीवेट्स की। और आज जब ये मैच खेला जाने वाला था इन दोनों टीमों के बीच में, तो हम 6 बजे सुबह उठ गए एंटीसिपेशन में कि हमको बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी। लेकिन इस मैच की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन हम देखते नहीं है किसी फुटबॉल मैच में। मैच से पहले ब्राजीलियन पुलिस अर्जेंटीना फैंस के एक सेक्शन में घुस गई और उनको मारना शुरू कर दिया। ये एक आम चीज है जो हम साउथ अमेरिकन फुटबॉल में देखते हैं, कभी कभी फैंस थोड़ा राउडी हो जाता है और पुलिस जो है उन पे फोर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये सीन्स देख के काफी दुख हुआ क्योंकि बहुत सारे फैंस को इंजरी का यहाँ पे सामना करना पड़ा। इस चीज को देखते हुए अर्जेंटीना के फैंस खुद स्टैंड्स की तरफ आए और उन्होंने अपील करी ब्राजीलियन पुलिस से कि आप ऐसा मत कीजिए। और एमी मार्टिनेस तो ऑलमोस्ट उस पुलिसकर्मी पे कूदने वाले थे जो कि वार कर रहे थे अर्जेंटीना फैंस पे। तो ये सब देख के लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वॉकआउट कर दिया मैच पे और टनल में चले गए लियोनेल मेसी अपनी टीम को लेके। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैच कैंसिल हो सकता है, आज हमको अर्जेंटीना और ब्राजील का मैच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, यह मैच शुरू हो गया और हमने फुटबॉल मैच की जगह देखा एक WWE मैच जहां पे सिर्फ फर्स्ट हाफ में 22 फाउल्स कमिट हुए थे दोनों टीमों की तरफ से। निकोलस ओटामेंडी ने इस मैच का एकमात्र गोल मारकर अर्जेंटीना को 1-0 से जीत दिला दी। और ये मैच इसलिए भी हिस्टोरिक हो जाता है क्योंकि ब्राजील अपनी हिस्ट्री में पहली बार किसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच आ रही है अपने ही।